अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं रिशु तैयार हूं। और भाई आज हम आ गए हैं अपने दानिश मामू की छत के ऊपर, ठीक है। और हवा इतनी ख़तरनाक चल रही है, आप लोगों ने देखा मेरे पहले वाली वीडियो में, एक वीडियो में मैंने बारिश दिखाई है और एक वीडियो में बारिश का नुकसान दिखाया जो कि तूफान आ गया था। बाकी आज भी हवा इतनी ख़तरनाक किस्म की चल रही है कि मैं टंकी पर बैठा हूँ लेकिन मोबाइल हाथ से छूट रहा है। दो दफ़ा तो एक चश्मा उड़ गया, कैप भी उड़ गया मेरा। अब हवा की आवाज़ सुने आप खाली, और कपड़ों का प्रेशर देखें भाई, निकल लें सब, हर बंदा उड़ जाएगा। चीज़ें ऐसे आ रही हैं ऐसे चुटकी बजा के। तो आप लोगों से उम्मीद ये है आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते हैं, आपको तेज़ हवा का शौक दिखाएंगे आज बड़े पैमाने पर। दोस्तों देख सकते हैं कबूतर उठाते हैं, और कबूतर उठते ही देख सकते हैं ये भाई फुल नीचे की तरफ पलट गया है। ये होता है शौक तेज़ हवाओं का विवाद। ओफो ओफो, आगे से भी अभी पार्टी उठाने वाली है कबूतर हैं। एक कबूतर दोस्तों नानी मामू निकल गया है, वो आगे वो जो कबूतर उड़ रहे हैं ना, ये जो कबूतर उड़ रहे हैं काफ़ी दूर उड़ रहे हैं, वहाँ निकल गई हो माती है काली चलती है। और इधर से भी कबूतर उड़ रहे हैं देख सकते हैं आप लोग, अब इनसे होगी फाइट बड़े पैमाने पर फाइट होगी भाई। अब ये नहीं पता कि कैसे होगी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज है कि कबूतर बहुत संभल के उड़ रहा है। टाइट करो टाइट करो, गया 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 दोस्तों, फाइट हो रही है आगे पीछे हैंगे भाई। कबूतर एक बार फिर पलटा हुआ उसकी छत करो। दोस्तों माशाल्लाह एक दफा और पलटा मार दिया। ओ दोस्तों दानिश मामू ने बताया भाई ज़्यादा अंदर घुसेड़ के नहीं लड़ाओ, नया माल है बिल्कुल बिल्कुल पूरा माल है दोस्तों। ये आ गए ये आ गए ये आ गए, ओ बैठ रहे हैं कबूतर लगे हुए भी हैं। ये देखें एक कबूतर निकल के गया, ये रहा ये बैठा 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 आगे बढ़ गया, बैठ रहा था बैठते बैठते आगे बढ़ गया। दानिश मामू यहाँ खड़े में भाई दाना डालना है, एक बैठ भी गया है एक बैठ गया दोस्तों, लेकिन अभी अपनों के चक्कर में लगे हैं उसको पकड़ ही नहीं रहे। एक शिकार बैठ चुका है, ओफो पकड़ लें भाई। कौन सा वाला है लाल बन घेरी है, लाल बन घेरी थी भाई, ओ पकड़ लिए। ये देख सकते हैं भाई ये कबूतरी मार ली है दूसरी कुश्ती में, एक कबूतर का शिकार हो गया और एक यहाँ का मामू, हाँ एक बैठते बैठते निकल गया और एक का मामू ना, एक का मामू, एक मामू का कम हो गया भाई, काली चांदनी कम हो गई है, नहीं आई ना वो, हाँ वो आगे बढ़ गई क्योंकि हवा इतनी तेज है कबूतर नहीं आ पा रहा। उड़ रही है वो जा रही, ओ ओ दोस्तों कबूतर आ रहा है, वो उधर से कबूतर उड़ गया ना वापसी वहीं चला गया वो, आ जाएगा ये एक है भाई। अब देखते हैं क्या होता है, एक कबूतर कम हो गया और एक कबूतर का शिकार हो गया। उठा दिए सामने वाली पार्टी ने, करो ना टाइट करो ना, उठा दिए उन्होंने। दोस्तों थोड़ा ढीला कर लिया कबूतरों को क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है, उसकी वजह से कबूतर भी तेज़ हो रहा है, इस वजह से कबूतरों को थोड़ा ढीला करके उड़ा रहे हैं।
कुश्ती होते होते रह गई है। आ गए आ गए आ गए आ गए जाया हो जाएंगे का उधर हवा इतनी तेज है, एक तो जा चुका है। दोस्तों का उधर बैठ भी नहीं पा रहा है, इतनी खतरनाक हवा चल रही है। दानिश मामू जो है ना चिकनावा डालने भी बस। ओफो तरमाल तरमाल माल पानी लगा के रखते हैं ताकि कबूतर में जानवर VIP रहे, कबूतर बीमारी से दूर रहे। लेकिन अफसोस एक कबूतर ज़ाया हो गया है ना मुर्गी, एक कबूतर ज़ाया हो गया, एक कबूतर का शिकार हो गया। यहीं तक की थी, कबूतर वगैरह पीछे देख सकते हैं पिंजरे के अंदर बंद कर दिए क्योंकि हवा इतनी खतरनाक है। एक कबूतर ज़ाया होते होते बचा है, एक कबूतर ज़ाया हो गया और एक कबूतर का शिकार भी हो गया। तो भाई आज तक की वीडियो यहीं तक की थी, इंशाल्लाह फिर कभी तक घूमते आएंगे और फिर दिखाएंगे आपको दाइनों का बड़े पैमाने का शौक। अभी कबूतरों के बंद भी लगे हुए हैं और शौक भी कोई इतना खास नहीं हो रहा क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई। हवा का ही शौक चल रहा है आज, कबूतरबाजी का शौक नहीं है आज, हवा का शौक है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फटाफट मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने भाई को दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।